साध संगत जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। कल रात को मैं तकरीबन 10:30 बजे तो बाद अपडेट चैक कर रहा सीगा। चैक करते करते मेरे सामने एक ट्वीट आता है तकरीबन 10:33 से। वो ट्वीट जी एम पी हैगी है बीजेपी तो किरण खेर, वो घर वाले अनुपम खेर का है। अक्सर मैं वेखदा कि वह किस तरह बीजेपी को खुश करने वास्ते ट्विटर के लोगों बंदा बोलता रहता है, कभी किसी को बोलता कभी किसी ने कुछ बोलता है। चलो ओदी सोच है, जो मर्जी बोले, सानू उहदा कोई लेना देना नहीं है, ओदे कर्म ने। पर जो कल रात को उन्हें ट्वीट किया, वो ट्वीट पढ़ने तो बाद हर एक सिख का हिरदा विलुंदरा गया। साड़ी गुरु साहब की बेदबी हुई है, साड़ी गुरबाणी की उन्हें बेदबी की है। जिस तरह की अक्सर साढ़े जो प्रचारक ने उस स्टेजा तो पढ़ते आए ने, पढ़ते भी ने, असी भी अपने मुख तो उचारने हैं, 1,25,000 से एक लड़ाऊं तबे गोविंद सिंह नाम का हूं। पर जो उन्हें कल इस गुरबाणी नू तोड़ मरोड़ के ट्विटर से पेश किया बीजेपी नू खुश करने वास्ते, उन्हें लिखा 1,25,000 से एक बढ़ाऊं। यह बहुत ही मंदभागी गल है कि एक बीजेपी का जिहड़ी एम पी आ घर वाला बीजेपी नू खुश करने वास्ते योजे शब्द लफ्जे वरते। उन्हें अगर किसी को नीचा ही दिखाना सीगा ते कुछ और लिख लेंदा, सानू कह लेंदा, पर उन्हें साड़ी जिहड़ी गुरबाणी वरती है उन्हें तोड़ मरोड़ के उन्हें ट्विटर से पेश किया है। ये बहुत ही मंदभागी घटना है। मैं अनुपम खेर नू चेतावनी देना चाहना कि तू जल्दी तो जल्दी इस गल ते माफ़ी मंग सिख कौम कोलो। सिख कौम नू कह कि मेरे तो गलती हो गई, मैं गलत लिख बैठा, नहीं तो तेरे ते असी कानूनी कार्रवाई करांगे। ते नाल ही मैं हर सिख जथेबंदी नू बेनती करना कि इसनू वीडियो बना के इसनू जताया जाए कि इन्हें बहुत वड्डी गलती कीती है, इहदे कोलो माफ़ी मंगाण वास्ते इस ते जोर पाया जाए। ते नाल ही मैं अनुपम खेर नू कहांगा कि इस ते जिहड़ा इन्हें ट्वीट किया है इहनू डिलीट करे, ते आने वाले समय दे विच भविख दे विच ध्यान रखे कि अज तो बाद तू जिन्हों मर्जी बंदा चंगा बोला बोल, सानू कोई लेना देना नहीं है, जो मर्जी बोल, पर सिख कौम की जिहड़ी गुरबाणी है या सिख कौम की जिहड़ी मान मर्यादा है उहदे नाल कदी कदी भी ना खेली, नहीं तो आने वाला समा तेरे वास्ते ठीक नहीं होएगा। ते नाल ही मैं संगत नूं कहना चाहवांगा कि इहदे विच थोड़ी बहुत गलती साडी भी है, क्योंकि जे साडे आगू गुरबाणी गलत बोलते हैं असीं कोई एक्शन नहीं लैंदे, ते दूजे ने अपने आप बोलनी है जिहड़े दूजे धर्म दे हैगे आ, उह तां देखदे आ वी जे आप ही गलत गुरबाणी बोल रहे हैं और सिख कौम है जिहड़ी ਉਹ ਰੋਸ਼ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੀ। ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਆ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਲਤ ਬੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਗਲਤ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੋਲ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਨੁਪਮ ਖੇਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਏ, ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਤੂੰ ਜੋ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਸੰਗਤ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੇ, ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਡਿਲੀਟ ਕਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।